विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वीर सैनिकों को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बहादुर सैनिकों के शौर्य को किया याद। मोदी कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। शादी की न्यूनतम उम्र सीमा जल्द ही 18 से बढ़कर की जा सकती है 21 साल। इससे जुड़े बिल को संसद के इसी सत्र में पेश किए जाने की संभावना। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में आई तेजी। महाराष्ट्र और केरल में बीते दिनों 4-4 नए मामले हुए दर्ज। तमिलनाडु में भी एक मामला आया सामने। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या हुई 73। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी के लिए दलाली कर रही है ममता बनर्जी, विपक्ष को कमजोर करने की है साजिश। देखिए ये ममता बनर्जी की नई सिरे से नौटंकी शुरू हो गए हैं। ममता बनर्जी सीधे तौर पर मोदी जी को दलाली कर रही है, और इससे कुछ ज्यादा कहूं मोदी जी को दलाली कर रहे हैं, विपक्ष को कमजोर करने की सारे कवायद कर रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खौफ के बीच मुंबई में 31 दिसंबर तक लगाई गई धारा 144, केवल 50% क्षमता के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे लोग। गाजीपुर से घर लौटे राकेश टिकैत का किसानों ने किया स्वागत। चुनाव लड़ने को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कि हमारे पोस्टर का कोई भी राजनीतिक पार्टी इस्तेमाल ना करे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और हमारे साथ बगैर पूछे किसी ने हमारे पोस्टर का इस्तेमाल करा, हमने उनको कहा कि हमारे पोस्टर आप हटाओ। नहीं हम नहीं चुनाव लड़ते, गलत लगाया हमने पोस्टर। जिसकी हुआ है तो हमारा पोस्टर का कोई आदमी पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल ना करे। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में हुई बढ़ोतरी। बीते 24 घंटों में सामने आए 7,974 नए मामले। 343 संक्रमितों ने गवाई जान। केरल से सामने आए सबसे ज्यादा मामले। देश की राजधानी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में नहीं हो रहा सुधार। एयर क्वालिटी आज भी बेहद खराब कैटेगरी में। AQI पहुंचा 337। धुंध के कारण गाड़ी चलाने में लोगों को हो रही परेशानी। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी ने ग्राम प्रधान समेत पंचायत प्रतिनिधियों को दी बड़ी सौगात। ग्राम प्रधान का 3500 से बढ़ाकर 5000 प्रतिमाह किया गया मानदेय। झांसी में पति पत्नी के विवाद में पति ने घर में लगाई आग, पत्नी घायल। मकान बेचने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को पहुंचाया अस्पताल। थाना नवाबाद के वीरांगना नगर की घटना। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।